नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद। आज आपके साथ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या नारीवादी परिपेक्ष पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नारीवादी परिपेक्ष को हम लोग कई स्वरूपों में देख सकते हैं, जैसे समानता की वकालत करना, महिला को पितृसत्तात्मक प्रणाली से विपरीत देखना, महिला को प्रकृति या नेचर के साथ जोड़ना तथा उन्हें प्रजनन और समाजीकरण की भूमिका तक ही सीमित करना आदि। हम इन सभी बातों को का अध्ययन या हम इन सभी बातों की चर्चा शर्मिला रेगे की पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर 2003 के अंतर्गत देखते हैं। नारीवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत शर्मिला रेगे, गेल ओमवेद, बीना अग्रवाल का काम काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यतः इस परिप्रेक्ष्य को हम समाज में महिलाओं की स्थिति को देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्स बायोलॉजिकल होता है और जेंडर सामाजिक। अर्थ कहने का तात्पर्य यह है कि जेंडर का निर्माण समाज में होता है और इसका एक सामाजिक पक्ष होता है। नारीवादी को भी हम कई रूपों में देख सकते हैं, जैसे उदारवादी नारीवाद, सामाजिक नारीवाद और उग्रवादी नारीवाद, जैसे लिबरल फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म एंड रेडिकल फेमिनिज्म के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसके कई आयाम भी हो सकते हैं, जैसे आत्मसम्मान की लड़ाई, पुरुष प्रधानता को चुनौती या जेंडर विहीन समाज का निर्माण करना आदि हो सकता है। महिलाओं के साथ जो व्यवहार और जो समाजीकरण में भी देखने में आता है कि उनके साथ खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि को लेकर उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार या एक अलग तरह का व्यवहार उनके साथ में किया जाता है। अगर हम भारतीय समाज में विकास के मॉडल को देखते हैं तो महिलाओं की स्थिति को तीन स्तरों, जो कि विट, वेट और ग्रेड हैं, के रूप में देखते हैं। अगर हम ध्यान से पाते हैं तो क्या है, पहला स्तर में हम विभिन्न कार्यक्रमों में महिला को विमेन इन डेवलपमेंट के रूप में देखते हैं, जिसमें महिला सिर्फ विकास के कार्यक्रमों का लाभ पाने की स्थिति में रहती है। दूसरा दौर या दूसरे स्तर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विमेन इन डेवलपमेंट की बात होती है, जिसमें महिला अपने योगदान द्वारा विकास का हिस्सा बनती है। तीसरी अवस्था जेंडर एंड डेवलपमेंट की हो सकती है, जिसमें महिलाओं में सशक्तिकरण एवं स्वाभिमान के साथ वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। स्वयंसेवी समूह इसका जीता जागता उदाहरण है। नारीवादी के वाद के ऊपर या नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर कुछ ठोस काम भी किए गए हैं, जिसमें करुणा चनाना, कमला बसीन, वंदना शिवा, लीला दुबे, मैत्री कृष्णराज, नीरा देसाई आदि हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य साइमन डी विवियोर ने अपनी बुक द सेकंड सेक्स में किया था। बीना अग्रवाल ने भी अपनी बुक द फील्ड ऑफ वंस ओन में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार ना मिलने की बात पर चर्चा की थी। शर्मिला रेगे द्वारा सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर नामक कार्य में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा गया। सबसे पहले इन्होंने किस बारे में बात की, सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि महिला को एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु के रूप में ना देखकर एक विषय या एक सब्जेक्ट के रूप में देखना चाहिए। इनका कहना था कि समाजशास्त्र में महिलाओं के योगदान को बहुत ज्यादा बल नहीं दिया गया, जैसे कि नारीवादी परिप्रेक्ष्य का उदय 1970 में हुआ, जबकि अगर हम समाजशास्त्र के उदय या विकास की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर समाजशास्त्र का उदय अगस्त कॉम्ट ने 1838 में कर दिया था, और अगर हम भारत में समाजशास्त्र के उदय या विकास की बात करते हैं तो 1919 में समाजशास्त्र का उदय भारत में भी हो गया था, लेकिन नारीवादी परिप्रेक्ष्य 1970 में आया। इन्होंने आगे अपने कार्य में बताया कि कैसे समाज में जेंडर के आधार पर कार्य पटे हुए हैं, जैसे पब्लिक क्षेत्र के लिए पुरुष होते हैं तथा प्राइवेट क्षेत्र के लिए महिलाएं, अर्थात महिलाओं को निजी क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया जाता है और पब्लिक क्षेत्र में उन्हें बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता। आगे इन्होंने बात की है मैन नेटवर्क। इन्होंने कहा कि मैन नेटवर्क की बात तो बहुत बार की जाती है, लेकिन वुमेन नेटवर्क नहीं कहा जाता।
तथा वेजेस की बात अगर हम करते हैं तो उसमें भी महिला और पुरुषों की को समानता की बात तो हम करते हैं, लेकिन और ये दर्शाते भी हैं, लेकिन वास्तविक में इनके वेजेस में बहुत भेद होता है। और ये देखते हैं, ये इससे ये पता चलता है कि वास्तविकता में और सैद्धांतिक रूप में कितना अंतर दिखाई देता है। ये एक प्रकार से वह स्थिति होती है, एक इनविजिबल वुमेन या अदृश्य महिला के रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं। इनका कहना है कि हमें समाज के लेखन में या लेखन में महिलाओं के पक्ष से देखने की या उनके पक्ष में लिखने की भी जरूरत है। सोशियोलॉजी और जेंडर नामक कार्य में महिला और पुरुष में स्तरीकरण एवं भेद को वह कई उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करती है। जैसे उन्होंने ये बोला कि अगर हम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन देखते हैं या उसका इतिहास उठाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि महिलाओं का योगदान को अगर हम देखें तो वो कम नहीं है। महिलाओं का योगदान महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो इस लड़ाई में या स्वतंत्रता की लड़ाई में पुरुषों की प्रधानता के बारे में ही बात की गई है, महिलाओं की के योगदान के बारे में बहुत ही कम चर्चा की जाती है। इन्होंने कहा कि भारतीय समाज में नारीवादी दृष्टिकोण में सम्मिलन की जरूरत है, इसके लिए महिला का बौद्धिक योगदान काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए इन्होंने कहा कि पुनः अवधारणाओं को बनाने की भी जरूरत है, तथा इसके साथ साथ अगर हम समाजशास्त्रीय पाठ्यक्रम में देखें तो उसमें भी जेंडर के पेपर को के सम्मिलन की जरूरत होती है। इसके साथ ही महिलाओं को के द्वारा नए नए आयामों में समाजशास्त्रीय विचार एवं अनुसंधान की भी जरूरत है। हम यह भी देखना या करते हैं देखना देखना चाहिए हमें, या फिर हमें करना भी चाहिए कि महिलाओं का स्थान एक आत्मसम्मान के साथ स्वाभिमानी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। उनका ये कहना था कि हमें जो ये प्रयास करना है, इस प्रयास में हमें तीन तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। एक सम्मिलन, दूसरा पृथकता, पृथकता जो पुरुषों से अलग सोच द्वारा चीजों को प्रस्तुत करना, तीसरा पुनः अवधारणा की प्रस्तुति करना आदि है। अतः अगर हम शर्मिला रेगे के योगदान को भारत में महिला की स्थिति में परिवर्तन एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से नारीवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाने एवं महत्व देते हुए एक नए विमर्श को उत्पन्न करती है। मुझे आशा है कि यह परिचर्चा आपको नए आयाम एवं दृष्टिकोण प्रदान करेगी। धन्यवाद।